नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट एंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कई दिनों से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या अपडेट चल रही है, क्या आगे की कुछ हियरिंग है, क्या आगे की कुछ रिजर्व जजमेंट जो रखा गया उसके बारे में कुछ अपडेट है या APS के विषय में कुछ अपडेट है, तो कोई अपडेट अभी तक मिल नहीं रही थी। इसी वजह से कोई वीडियो वगैरह भी मैं नहीं बना रहा था। और दूसरी बात ये कि इस समय टाइम शेड्यूल मेरा बहुत ही बिजी था, इसी कारण से कुछ और भी वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आगे प्रयास करेंगे, समय निकालेंगे, लेकिन समय तो बिल्कुल निकल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। अभी तो इसके बारे में देख लें कि जो RO/ARO हाईकोर्ट में जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके विषय में जितनी भी हियरिंग हो चुकी थी, उस हियरिंग के बाद हाईकोर्ट ने सारी हियरिंग को देखते हुए फाइनल ऑर्डर को रिजर्व करके रख दिया था। और फाइनल ऑर्डर जो रिजर्व का रखा गया है उसकी सुनवाई तो हो चुकी है, उसका फैसला कल आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 19 अप्रैल 2022 और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 22 जुलाई 2022। तो 22 जुलाई कहने का मतलब कल की डेट में ये फैसला आने वाला है। और एक बात और समझिएगा कि जो फैसला आए, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव, जो भी कुछ आए, इसी के बाद APS का जो रिज़ल्ट फंसा हुआ अभी तक नहीं आ रहा है, तुरंत रिज़ल्ट भी इसी के बाद आएगा। तो जो इंतज़ार कर रहे थे APS के रिज़ल्ट के बारे में, और इसी के बाद देखो जो भी कुछ अपडेट मिलेगी मैं आपको कल बताऊंगा। कल शाम तक देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है सूचना मैं आप सबको दूंगा। अभी कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, जैसे होगा नज़र बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।